मीटो कैंपेन काफी गहरा रहा है। हर कोई अपने साथ हुए बुरे बर्ताव को लेकर आगे आकर सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रहा है, तो वहीं जहां तनुश्री दत्ता कंगना रनौत ने इस मामले पर खुलकर बोला है, तो वहीं बता दें कि बोल्ड एक्ट्रेस पूनम पांडे ने भी हाल ही में इस मामले पर खुलकर अपनी बात सामने रखी है। दरअसल कुछ समय बाद ही पूनम एक्टर शक्ति कपूर के साथ फिल्म द जर्नी ऑफ कर्मा में नजर आने वाली है। इस फिल्म में पूनम उनके साथ काफी बोल्ड सीन करते हुए भी नजर आएगी। लेकिन हाल ही में पूनम ने शक्ति कपूर को लेकर काफी कुछ कहा। उन्होंने बताया कि उनके साथ काम करते हुए उन्हें काफी असहज महसूस हुआ। साथ ही साथ वो ये भी कहती हैं कि शूटिंग के दौरान उन्हें महसूस हुआ और असहजता का अनुभव किया। पूनम ने बताया कि एक बड़े अभिनेता के साथ सीन शूट करने में उन्हें काफी परेशानी हुई। बेड पर शूटिंग के दौरान पूनम को महसूस हुआ कि अभिनेता मूवी का फायदा उठाते हुए रियल लाइफ को भूलकर रियल लाइफ में पहुंच गई। इस दौरान उस अभिनेता ने सारी हदें पार कर ली। इसके लिए वो हफ्ते भर पहले फिल्म के ट्रेलर लॉन्चिंग में भी नहीं पहुंच पाई। इससे पहले वो किसी फिल्म के पोस्टर लॉन्चिंग में भी नहीं पहुंच पाई थी। यानी साफ है कि जहां तनुश्री दत्ता और कंगना रनौत ने अपने बारे में ऐसा कुछ कहा, तो वहीं एक के बाद एक कई ऐसे ही खुलासे हो रहे हैं। नेक्स्ट नाइन लाइव से चित्रा की रिपोर्ट।